नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com का टॉप 20 बुलेटिन। देश में मंडरा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा, 9216 नए मामलों की हुई पुष्टि। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के 4 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए सामने, एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक और एक स्थानीय। कोरोना के मुद्दे पर विपक्ष ने किए केंद्र से सवाल, सदन में उठे महामारी के विभिन्न पहलू, विपक्ष ने पूछे सवाल। विपक्ष ने सरकार को कोरोना के मुद्दे पर घेरा, बूस्टर खुराक पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग। लोकसभा में CBI ED निदेशकों के कार्यकाल वाला बिल आज पेश करेगी सरकार, विपक्ष कर सकता है विरोध। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना संक्रमण के 9216 नए मामले, 1,00,000 से कम हुए एक्टिव केस। दिल्ली में केंद्र सरकार के नीट PG पर लिए गए फैसलों के खिलाफ डॉक्टर्स ने की हड़ताल, OPT सेवा भी रही प्रभावित। चक्रवात जावेद की आहट से चिंता, ओडिशा में हाई अलर्ट, PM मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग। इन्फिनिटी फोरम में बोले PM मोदी, तकनीक और इनोवेशन को तेजी से अपना रहा है भारत। झांसी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, कहा 2022 चुनाव का नाम बदलने वाली जनता को बदल देगी सरकार। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, मध्य प्रदेश पुलिस के 3 जवानों समेत 5। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, संकट में टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा, CSA ने स्थगित किए घरेलू मैच। राजस्थान में PUBG की लत ने बच्चे ने खाली कर दी घर की तिजोरी, 3,00,000 रुपए उड़ाए। दिल्ली मेट्रो में मॉल में प्रवेश के लिए कोरोना का टीका लेना किया जा सकता है अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा से मारपीट का वीडियो वायरल, जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़, आरोपी हुए गिरफ्तार। बढ़त के साथ खुलने के बाद गिरे भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही पहुंचे रेड जोन। एयरटेल ने एक बार फिर दिया झटका, कई प्रीपेड प्लान्स को किया बंद। अफगानिस्तान में भारत के गेहूं भेजने में ट्रक को लेकर अड़ा पाकिस्तान। दुनिया भर में संक्रमण के कुल मामलों में 26.41 करोड़, 8.07 अरब लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।